तो भैया बरईपुर से 11 रुपया का पुरस्कार है बाबूजी का प्राप्त। जमुना मैं तुम्हारे खातिर अपना घर द्वार छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ रही। जमुना कहाँ हो आप, कहाँ हो? मैं आ रही। अरे तू क्या चाही थी कि तू जमुनवा के प्यार में पागल है? तू जमुनवा का प्यार बाज जाएगी? नहीं, इतना जल्दी जमुनवा का प्यार तुझे नहीं मिलेगा। ये डाको तो भास सिंह तेरी इज्जत के साथ जरूर खिलवाड़ करेगा, तेरी इज्जत के साथ जरूर खिलवाड़ करेगा। राजकुमार, अरे राजकुमार कहा गया, मर गया रे सारा धरा था। आज इसके इज्जत के साथ मैं जरूर खिलवाड़ करूंगा। क्या करने जा रहा है? इसे बांध और इसे बांध कर रख, मैं जल्दी से बांधो इसे। अरे भैया आप लोग बैठिए साहब, ज्यादा टाइम नहीं है, खाली 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग के सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब आप लोग देख कर जाइएगा, मैं जा रहा हूं, जरा बोर्ड पानी बना कर रहा, ये भागने ना पाए, अगर भाग गई तो साले तेरी जान चली गई। मैं जा रहा हूं, ठीक है ना? हमारे सरदार जी गए हैं मोट पानी बनाने, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती। देखिए हमें क्या करोगे आप, बांध कर हमें छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊं, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अभी मैं तुमसे सीधे कह रही हूँ, छोड़ दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगा, छोड़ दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके पास। भैया छोड़ दीजिए हमें, मैं आपको बैजे में आपको पांव हाथ दबा देती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम मुझे भैया कह रही हो? हाँ, शायद हमारी बहन होती तो तुम्हारी जैसी होती। इस साले देश के तरिंदे लुटेरे मुझसे हर वक्त गलत ही काम करवाते रहे। आज मैं तुमको अपनी बहन मान करके तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसा कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमार अब सरस्वती कहाँ गई? ला मेरे हवाले कर भाई, मैं बहुत मानी बना खड़ा आया हूँ, आज इसकी साली की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा। इसे बता दूंगा कि अटाको तूफान है क्या चीज। अबे कहाँ गया भाई? ले ला मेरे सामने बेस्टर। बोल बोल बोल, टिबल टिबल बहुत बोल। अबे साले कहाँ बोल रही है? बोल लड़की बोल ना। अबे तूने साले सरस्वती को गायब कर दिया क्या भाई, कि तुझे झटका देकर निकल खाई? तुझे यही बात के रखे रहे, यही तूने साले सरस्वती को भगा दिया। सरस्वती भाग कर गई होगी तो वो साली जमुनवा के पास गई होगी, जमुनवा के प्यार में वो साली पागल हो गई है। लेकिन ये डाको तो भासी तुम्हें जिंदा रहेगा, सरस्वती और जमुना का मिलन नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। तुझे मालूम हमें अपने थाने में जो दरोगा आया है जिसका नाम है गंगा, ये उसी गंगा की बहन सरस्वती है। मैं उसके पास फोन लगाता हूं थाने में। हेलो हेलो, गंगा स्पीकिंग। दरोगा बाबू नमस्ते। हाँ बोलो। आपका नाम गंगा है? गंगा जी। आपके बहन का नाम सरस्वती है? सरस्वती है। तुम्हारी बहन को एक जमुना नाम का लड़का लिवा कर भगा जा रहा है। क्या लिवा कर भगा जा रहा है? मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। लेकिन आप बोलने वाले कौन हो? इसे जानने की जरूरत नहीं है दरोगा बाबू। सरस्वती मैं तुझे जमुना से नहीं मिलने दूंगा, ये डाको तूफान सिंह का फादर रहा है। जमुना कहाँ चलेगी मुझे छोड़कर आप? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सरस्वती मैं भी तुम्हें बहुत ढूंढा तो मुझे मिली नहीं। जमुना आज से वादा कर मैं कभी ले जाऊंगा।
तेरे क्या समझाया था, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई हरामजादे, आज मारते मारते मैं तेरी जान ले लूंगा, देखता हूं तुझे। कौन से गलती बेटा हमारा किया, जल्द से साहब मुझको बता दीजिए, बात कोई समझ में आती नहीं। आखिर कौन सा गुनाह किया है मैं जानना चाहती हूँ। एक लड़की से प्यार करता है, प्यार करता है कमीना, प्यार करता है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं दरोगा। गुनाह नहीं है लेकिन वो मेरी बहन है, जिससे प्यार करता है इसे समझा दो। आपकी बहन है? हाँ। वो जबरदस्ती प्यार करता है, अपनी बहन से तो पूछ लिए होते दरोगा बाबू। इसे समझा दे मेरी बहन से। दरोगा बाबू आप हमारे बेटवा सरे के यहाँ, बाबू अपन बूढ़ी माँ तारी समझ के हमारे ऊपर तरस का दरोगा बाबू। अब आपसे आज मुझे बेटा करके मजबूर कर दिया, तुम्हारे कहने पे आज इसे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन समझा देना माताजी, ऐसी दोबारा हरकत करेगा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझा दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये क्या सुन रहे हो कि वो लड़की जिससे प्यार करता है दरोगा बाबू की बहन है? हाँ माँ, दरोगा साहब की बहन है। वो लड़की जितना मैं उससे प्यार करता हूँ उतना वो लड़की मुझसे भी प्यार करती है माँ। वो तुमसे भी प्यार करती है? हाँ माँ। अगर प्यार दोनों तरफ से बेटा तो इसमें बुराई तो नहीं है, लेकिन दरोगा बाबू जबरदस्ती को मार रहे हैं, वो अपनी बहन को नहीं समझाते। मैं ना मालूम क्यों दरोगा साहब हम पर जबरदस्ती जुल्म कर रहे हैं, अपनी बहन को समझाते ही नहीं। लेकिन बेटा अगर उन्हें बुरा लगता है तो तू छोड़ दे क्यों नहीं देता? छोड़ दो माँ। लड़की को माँ तू सही करे, तू सही करिए माँ। मैं भी चल घर, जो कुछ रुका सूखा हो माँ मुझे खिला, क्योंकि मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है माँ। मुन्ना क्या है माँ? तू भूखा है? हाँ, चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ ना कुछ तो खिलाऊंगी। चलो माँ। चल बेटा। हराम खून नालायक, मुझे आज मेरा पैसा चाहिए, नहीं मारते मारते तेरी चमड़ी काटूंगा। कायदा देव नहीं देव। ओए मास्टर जी, अरे दिया ना कर्ज मेरा, तू चकले
अभी तक दिखाया रहम तो कुछ मेरे ऊपर सेठ जी क्यों नहीं खा नहीं है, तेरा घर बिगड़ गया है, मेरा भी घर बिगड़ गया है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात मानू, सारा पैसा माफ हो जाएगा। अच्छी बात क्या है सेठ जी, बोलिए ना। आए हाय हाय, हमारी जान एकदम मामले हमारे फिटते ही बा। आई हराम खोरे का बेटवा हमारी इज्जत लूटे से, आई का इज्जत हम लूट ले। इधर आ। आ देख, हम जोन कहीं हमार बात मानबे। कहिए सेठ जी। हमारी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित के बात कर रहा हूँ, कोई कहीं की बात है। अरे बतिया हमार माना, माफ करब कर जाहे हमार लानिया, हमार लानिया अपन दुल्हा पलटिया। मरे के किनारे पर लगा है। हम मरे लाए, हराम
रखो तोरे संगे जबरदस्ती कर देख कौन महाराम छोड़ो क्या मेरे माँ का खेला बोल हराम खोर बिना सोचे समझे मारे लागे आखिर तक है बताओ ये बुढ़िया से हम बात करते ही तक है बताओ मैं बोली माँ का बेटा हूँ और मेरा नाम जमुना है जमुना अबे हमारे स्टेट बहुत ताकतवर है हमारे स्टेट बहुत ताकतवर है एक तो जगह इनकर पूरी ताकत हवा बोल हराम खोर बिना सोचे समझे का मतलब तो ना जमुना बा अरे हराम खोर तेरी माँ को इसलिए मैं मार रहा हूँ 5,000 लिया 5,000 का 10,000 भवा हराम खोर दे हमारे पैसे दे दे पैसा माँ माँ ये बात तूने मुझसे क्यों नहीं बताई कि मैंने तुम सेठ जी के यहाँ से 5,000 रुपए लाई थी माँ और मुझे नहीं बताई माँ आज सेठ जी उसी 5,000 रुपए के खातिर तुम्हें इतनी बेदर्दी से मार रहे थे माँ और तुम पर सेठ जी का चलता हुआ हाथ देखकर मेरा कौन काल उठा माँ आज मैंने सेठ जी के ऊपर हाथ उठा दिया माँ इसी बात से सेठ जी तत्काल 10,000 रुपए मांग रहे माँ कहाँ से लाऊं पा बेटा सेठ से हाथ जोड़े गलती मान ले सेठ माफ कर सकते हैं अबे यार 5 मिनट का बेशरमाई सब दिन कह रहा सेठ जी जवन बात कहा तो सुन ले ऐसा न पैसा दे बल्कि 100-200 हम और दे दे यार सेठ जी बतावा है का है मुंह लटकाए है बोल का कहे चाहते पहले बताओ जी हां अजाने में मुझसे गलती हो गई है आप मेरी गलती क्षमा कर दें नहीं बेटा राम का समझ में आए कि पैसा का चीज होता ते पैसा देबे कि ना देबे हमार 5,000 दे इस समय तो पैसे नहीं है 5,000 का 10,000 भवा बेटा राम पैसा देवे की और कुछ तो का उपाय बताए सेठ जी इस समय मेरे पास पैसे नहीं कोई उपाय बताइए हमार बात सोना पैसा तो नहीं दे पाऊंगे अबे नहीं दे पाऊंगा सेठ जी ऐसे अपन दिल का हाल बताए एक हमार बात सुन बोला सेठ जी जैसे तोरे बाप नहीं है हाँ जैसे तोरे बाप नहीं है तोरे माई के घर बिगड़ गया है हाँ सेठ जी वैसे हमारा घर बिगड़ गया है हाँ ऐसे मना हमार का रोवत बा यार ना कहा तो लौंडा काजनी मानिन जाए काजनी हमार बात मान जाए के बाप हमरो घर बच जाए हो हमार बात मान बे बोलो सेठ जी बोलो एक बात है बेटो अब मान ले तोरे माई का घर बिगड़ा बा हमरो भी अगर अपने माई का हमारे संगे कह दे तो पैसा माफ हो जाए सेठ भाग गया माँ अपने ही दौर पर उसे फाड़ के दो भाग में कर देता माँ बेटा क्या ये समय है भगवान चाहे जो कुछ कहवाए ये सुनना हमारा फर्ज है बेटा सबके इंसान का वक्त खराब होता है ना तो चारों तरफ से कीचड़ उछालने वाले रहते हैं हाँ माँ चल बेटा चल Yes.
साली सरस्वतिया, ये साली लापता हो गई, साली कहां गई? आपको ऐसा लगता है ये जमुनवा से मुलाकात करी होगी और जमुनवा उसे लिवा कर अपने घर गया होगा, लेकिन जमुना ये डाको तो भाष एकदम उसे कहीं भी लिवा कर जा, चाहे पाताल में लिवा कर जा, चाहे आकाश में लिवा कर जा, ये डाको तो भाषिक सरस्वती को जरूर खोज लेगा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ उस समुनवा की झोपड़ी पर, देखता हूँ वहां सरस्वती है या नहीं है। जब पता नहीं चलेगा कि फंस के बीच जब हमारे में राधा पति समरिया नवरिया तो कखे वही का पड़ी। राम बाबू भैया मछली वाले जो कि चका में मछली की दुकान लग गई है, 11 रुपया का पुरस्कार रहा है भैया का प्रणाम। आगे भैया महानारायण उर्व जीवाड़ी त्यागीपुर के धरती से 11 रुपया पुरस्कार वा भैया का प्रणाम। मैं इस वक्त पता लगाते लगाते जमुनवा के गांव तक पहुंच आया हूं, लेकिन अभी जमुनवा की झोपड़ी नहीं मिली। एक बूढ़ी माँ बैठी है, मैं इसे बोलता हूं क्या खुरी देर कहीं जमुना रहता है क्या? अरे बूढ़ी माँ, जरा मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या है बेटवा? लस्सी में अभी तू इस दुनिया में जिंदा है? मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। लस्सी में इसका मतलब वो जमुनवा तेरा बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। कैसे तुम जानते हो? मेरे बेटे को तुम कैसे जानते हो? तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? अगर तू हमारा नाम सुनेगी ना, तेरे पाँव के तले की जमीन खिसक जाएगी। अरे यार, जो तेरे मांग में सिंदूर नहीं है वो हमारी देन है। भूल गई? इतना जल्दी भूल गई? तो डाको तूफान सिंह है। अरे हम जा रहे, तू जहां मरेगा ना, जहां मरेगा तुझे पानी नसीब नहीं होगा। जैसे मैं तड़प रही हूं, एक दिन तू तड़प तड़प कर मरेगा। हमारी जिंदगी में वो दिन नहीं आएगा लक्ष्मी। अगर समुनवा तेरा बेटा है, जिसका मतलब है कि सरस्वती तेरे पास आई होगी, मेरी बात सुन। कहना क्या चाहता तू? लक्ष्मी लिया सुन ले मेरी बात, लक्ष्मी लिया सुन ले
तुम्हारी पा सरस्वतिया को कर दे मेरे साथ। अपनी बहू बना लिया मार करी खींचो तेरी खाल, मार करी खींचो तेरी खाल।